मूवी की शुरुआत में हम एक सुनसान जंगल में एक लड़की को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा घायल होती है। दरअसल उस लड़की के अंदर एक शैतान का साया होता है। तभी उस लड़की को एक आदमी पकड़ लेता है और उसे बेहोश करके एक घर में जंजीरों से बांध देता है, जहां एक औरत उस लड़की से शैतान का साया निकालने के लिए एक काला जादू कर रही होती है। तभी वह लड़की अपने डैड से पूछने लगती है कि ये लोग कौन है, और रोने लगती है। तभी उसके डैड उस पर पेट्रोल डाल देते हैं और उसे जलाने के लिए माचिस जलाते हैं। उसी समय उस लड़की पर शैतान हावी हो जाता है। शैतान कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा जैसे तुम्हारी बीवी को मारा था। धीरे धीरे वो लड़की जलने लगती है और चीखने लगती है। फिर उसके डैड उसे गोली मार देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि डेविड और उसके कुछ फ्रेंड्स उसी जगह पर जाते हैं जिस घर में उस लड़की को जलाया गया था। वहां एरिक डेविड को बताता है कि तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। डेविड अपनी बहन मिया से मिलने जाता है। दरअसल मिया ड्रग्स एडिक्ट होती है, जिसका नशा छुड़ाने के लिए इस सुनसान जगह पर आए थे। इसके बाद मिया ड्रग्स कभी न लेने का वादा करती है और सारा ड्रग्स कुएं में फेंक देती है। फिर वे लोग उस घर के अंदर जाते हैं। मिया अपने भाई डेविड से कहती है कि जब मोम मर रही थी तब तुम क्यों नहीं आए। डेविड मिया से माफी मांगता है और कहता है कि उसी समय मेरी नई जॉब लगी थी। अगली सुबह ओलिविया डेविड से कहती है, ये सब हमने पहले भी करके देखा है, मिया ने पहले भी ऐसे ही वादे किए थे। इस बार यदि मिया ड्रग्स लेने के लिए यहाँ से भागे तो हमें यहाँ उसे रोक के रखना है, यदि उसने और थोड़ा नशा किया तो वह मर जाएगी। रात को मिया ड्रग्स लेने के लिए तड़पती है, जिससे ओलिविया उसे नींद का इंजेक्शन दे देती है। तभी डेविड का कुत्ता वहाँ पड़ी कारपेट को खींचने लगता है, जिससे डेविड उस कारपेट को हटाता है जहाँ पर खून लगा होता है, और वे वहाँ नीचे बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ डेविड और एरिक देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे जानवर मारकर लटकाए गए हैं। तभी डेविड वहाँ रखी किताब को उठा लाता है। एरिक उस किताब को अपने कमरे में लाकर उसे खोल देता है। इसके बाद उसे पढ़ने लगता है, जिससे शैतान आजाद हो जाता है। इधर मिया को घर के बाहर एक लड़की दिखाई देती है, जिससे वह घबरा कर घर के अंदर आ जाती है और सभी से कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन उसे सभी लोग जाने से मना करते हैं, जिससे वह चुपके से वहाँ से भाग जाती है। तभी मिया के सामने वही लड़की आ जाती है, जिससे मिया की कार एक कीचड़ में फंस जाती है। मिया कार से निकलकर वहाँ से जाने लगती है। तभी शैतान मिया को दिखाई देता है, जिससे मिया वहाँ से भागकर टहनियों में फंस जाती है। इसके बाद शैतान मिया के सामने आकर उसके अंदर घुस जाता है। इधर डेविड और ओलिविया मिया को ढूंढ रहे होते हैं। तभी डेविड की नजर मिया पर पड़ती है, जहाँ मिया एक पेड़ के पास बैठी होती है। डेविड और ओलिविया उसे घर लाकर उसका इलाज करते हैं। इसके बाद ओलिविया डेविड से कहती है, हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि मिया यहाँ से फिर भागने की कोशिश करेगी। इसके बाद डेविड मिया से मिलने जाता है। मिया डेविड से कहती है, हम सबको यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि मैंने जंगल में कुछ बहुत अजीब देखा है। डेविड कहता है, ये सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम है, और डेविड वहाँ से चला जाता है। इधर एरिक उस किताब को समझने की कोशिश करता है। तब तक डेविड वहाँ के जानवरों की लाशों को निकाल कर बाहर डाल रहा होता है। तभी डेविड को खून दिखता है, जिससे डेविड वहाँ जाकर देखता है कि उसका कुत्ता मर गया है और वहाँ पर हथौड़ी पड़ी है जिससे उसे मारा गया था। जिससे डेविड गुस्से में आकर मियाँ के पास जाता है, लेकिन वह नहा रही होती है। मियाँ अपने पानी को इतना गर्म कर देती है जिससे उसका शरीर जलने लगता है। डेविड दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। ये देखकर डेविड उसे तुरंत ही गाड़ी में शहर की ओर ले जाने लगता है। तभी वह आगे जाकर देखता है, आगे का रास्ता पानी के बहाव के कारण बंद है। फिर ओलिविया उसे नींद का इंजेक्शन दे देती है। तभी एरिक कहता है, यहाँ पर हर पल चीजें बिगड़ती जा रही है। तभी मियाँ वहाँ गन लेकर आती है और डेविड पर गन चला देती है और कहती है कि तुम सब मरने वाले हो। इसके बाद मियाँ ओलिविया पर खून की उल्टी कर देती है, जिससे ओलिविया उसे बेसमेंट में धकेल देती है। डेविड कहता है, उसे एक और नींद का इंजेक्शन दो। ओलिविया इंजेक्शन लेने जाती है, लेकिन शैतान उसे वहीं रोक लेता है। एरिक वहाँ जाकर देखता है कि ओलिविया ने अपने पूरे चेहरे को कांच से काट लिया है। फिर ओलिविया एरिक पर हमला कर देती है, जिससे एरिक अपनी जान बचाने के लिए ओलिविया को मार देता है। डेविड और नेटली ये देखकर काफी घबरा जाते हैं। इसके बाद डेविड एरिक के घाव पर पट्टी बांधता है। तभी एरिक डेविड से कहता है कि मैंने उस किताब में कुछ पढ़ा था, जिससे वो शैतान आजाद हो गया। तब तक नेटली दवाई लेने दूसरे कमरे में जाती है, जहाँ मियाँ उसे रोक लेती है। मियाँ कहने लगती है, मुझे यहाँ से निकालो, जिससे नेटली बेसमेंट में जाती है। तभी मियाँ कहती है, ये तुम सबको मार देगा, जिससे नेटली वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी मियाँ उसे पकड़कर बेसमेंट में खींच लेती है और उसके हाथ को दांत से काट लेती है। तभी वहाँ डेविड आ जाता है। फिर डेविड उस बेसमेंट के दरवाजे को जंजीरों से बांध देता है। इधर एरिक उस किताब को जलाने की कोशिश करता है,
लेकिन वो किताब नहीं जलती है। फिर एरिक डेविड को बताता है कि ये किताब किसी राक्षस के बारे में है। इसमें लिखा है कि 5 आत्माओं के निगलने के बाद नरक का दरवाजा खुल जाएगा, जिससे वो शैतान बाहर आएगा। अगर हम उसे रोकना चाहते हैं तो हमें मियाँ को मारना पड़ेगा, जिससे डेविड कहता है कि हम किसी को मार नहीं सकते हैं। और डेविड कहता है कि यहाँ शायद उन जानवरों से कोई वायरस फैल गया है। इधर नैटली अपने हाथ के घाव को साफ कर रही होती है, तभी उसका हाथ इन्फेक्शन जैसा सड़ता ही जा रहा होता है। ये देखकर वह बहुत घबरा जाती है, जिससे नैटली अपने हाथ को काट देती है और जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे डेविड और एरिक उसे देखने जाते हैं। ये देखकर वे दोनों बहुत घबरा जाते हैं। इसके बाद डेविड उसके हाथ पर पट्टी बांधता है। फिर एरिक डेविड को बताता है कि उस शैतान को रोकने के लिए इसमें 3 तरीके बताए गए हैं, जिसमें शरीर को जिंदा दफन कर दो, या शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, या उसे जला दो। जिससे डेविड कहता है इनमें से कोई तरीका काम करेगा। एरिक कहता है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये कोई साइंस की किताब नहीं है, जो इसमें लिखा हो वो सच हो। तभी एरिक कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मैं इस घर को जलाने वाला हूँ। तभी वहाँ नैटली आ जाती है, जो एरिक और डेविड पर कीलों से हमला करती है, लेकिन डेविड उसे धक्का दे देता है, जिससे वह गिर पड़ती है। डेविड जैसे ही गन उठाने जाता है, तभी नैटली पीछे से आकर लोहे की रॉड से डेविड के हाथ पर हमला करने लगती है। तभी एरिक नैटली पर कीलों से हमला करता है, जिससे नैटली डेविड को छोड़कर एरिक पर हमला करती है। जैसे ही नैटली लोहे की रॉड से एरिक का सिर फोड़ने वाली होती है, तभी डेविड उसके हाथ पर गोली मार देता है, जिससे उसका हाथ कट जाता है। इसके बाद वो मर जाती है। फिर डेविड और एरिक बाहर जाते हैं। इसके बाद डेविड पूरे घर को जलाने के लिए पेट्रोल छिड़कता है। फिर डेविड अपने इमोशंस के कारण घर को नहीं जलाता है। इसके बाद डेविड मियाँ को निकालने बेसमेंट में जाता है। तभी मियाँ डेविड पर हमला कर देती है और उसे पानी में मारने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ एरिक आ जाता है और मियाँ के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर डेविड मियाँ को नींद का इंजेक्शन दे देता है, लेकिन एरिक वहाँ पर मर जाता है। इसके बाद डेविड मियाँ को जिंदा दफन करने लगता है। तभी मियाँ कहती है मुझे बचाओ। मियाँ डेविड से कहती है कि तुमने मुझे बहुत झूठ बुलवाया है। मैं माँ से यही कहती रही कि तुम जरूर आओगे, लेकिन तुम नहीं आए। माँ तुम्हारा नर्क में इंतजार कर रही है। अब वो तुमसे बहुत नफरत करती है। फिर डेविड मियाँ को दफन कर देता है और रोने लगता है। इसके बाद डेविड उसे फिर खोद कर निकालता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक से होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन वह होश में नहीं आती है। फिर डेविड वहाँ से जाने लगता है। तभी मियाँ को होश आ जाता है, लेकिन अब उसके शरीर से वो आत्मा निकल जाती है। फिर डेविड चाबियाँ लेने घर के अंदर जाता है। तभी एरिक डेविड पर हमला कर देता है, क्योंकि उस शैतान ने अब एरिक के शरीर पर कब्जा कर लिया था। डेविड मियाँ को वहाँ से जाने के लिए कहता है और अपने आप को घर के अंदर बंद करके वहाँ आग लगा देता है, जिससे पूरा घर जलने लगता है, जिससे मियाँ बहुत दुखी होती है। तभी वहाँ खून की बारिश होने लगती है और नर्क का दरवाजा खुल जाता है, जिससे एक शैतान बाहर निकलता है। वो मियाँ पर हमला कर देता है। मियाँ उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगती है और साथ में लकड़ी काटने की मशीन को ले लेती है और गाड़ी के नीचे छिप जाती है। जैसे ही वो शैतान गाड़ी के पास आता है, मियाँ उसके दोनों पैर मशीन से काट देती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी वो शैतान गाड़ी को मियाँ के ऊपर पलटता है। मियाँ तो गाड़ी के नीचे दबने से बच जाती है, लेकिन उसका एक हाथ गाड़ी के नीचे दब जाता है। शैतान मियाँ को मारने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जिससे मियाँ अपना हाथ वहाँ से उखाड़ देती है। फिर मियाँ लकड़ी काटने की मशीन से शैतान को 20 से काट देती है, जिससे वो वापस नरक में चला जाता है। इसके बाद सुबह हो जाती है और मियाँ वहाँ से जाने लगती है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।